ये सीसी कॉम्प्लेक्स है, हमारे दौर में जीसी कहलाता था, जनरल एजुकेशन सेंटर। ये वो जगह है जहाँ के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर हमारी मौजूदगी दर्ज है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता था क्लासों के बाद, वो हमारा यहाँ पर गुजरता था। और यहाँ से जो तालीम हासिल मैंने की है, उसका कर्ज मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। जो कुछ भी मैंने सीखा ज़िंदगी में, वो मैंने इस जगह से सीखा। और ज़ाहिर है कि ड्रामा क्लब से मेरा एसोसिएशन हमेशा से था और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। कैनेडी हॉल में बेशुमार परफॉर्मेंसेस हमने की, और ड्रामा क्लब की टीम से हम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में गए, परफॉर्मेंसेस दी, बहुत सारे इनामात जीते। इनकी तफसीलात मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और ये मेरे पीछे जो है, ये खुर्रम मेमोरियल एक थिएटर है जो हम लोगों ने मिल करके, कोशिश करके यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है अपने मरहूम साथी खुर्रम जुबैरी के नाम से। स्टेज का शौक बचपन ही से पड़ गया। हमारे मोहल्ले में बाल बरादरी क्लब था जिसकी सरपरस्ती कैसर नकवी साहब के हाथों में थी। उन्हें बच्चों से जैसे इश्क था, बहुत छोटे छोटे बच्चों को वो स्टेज पर चढ़ा देते थे। मैंने बाल बरादरी क्लब की तरफ से शायद तीसरी जमात में कैनेडी हॉल में पहली परफॉर्मेंस दी। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन था और बच्चों का ड्रामा फेस्टिवल था। प्ले का नाम था भाप की चोरी और मेरे किरदार का नाम था आखिल मियां। कम उम्र में स्टेज फ्राइट चली गई और फिर चस्का सा लग गया। स्कूल के तमाम फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगा और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ही तय कर रखा था कि ड्रामा क्लब ज्वाइन करना है। उन दिनों सलीम शाह साहब ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी थे और ऐसा समझा जाता था कि जैसे वो अपने क्लोज ग्रुप में बाहर के लोगों को वेलकम नहीं करते। लिहाजा भटकते भटकते मैं एमएम हॉल के कल्चरल सेक्रेटरी शफीउर रहमान खान से टकरा गया और उन्होंने ऑडिशन लिया और आने वाले ड्रामे में एक रोल दे दिया। आगे पढ़ने से पहले बताता चलूं, शफी साहब एक बहुत ही डायनामिक इंसान हैं और 10-11 बरस मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। गजब का मैनेजरियल स्किल था इस बंदे में, शो ऑर्गेनाइज करने में, टूर्स अरेंज करने में, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से रिकॉर्डिंग्स लाने में शफी भाई माहिर थे। शफी भाई की सलाहियतों को गुणगान मैं इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि उनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था और उस सोच को हकीकत में तब्दील करने का फन उनमें कूट कूट कर भरा था। यूनिवर्सिटी लाइफ में एक लड़का या लड़की या तो सिर्फ अच्छा स्टूडेंट हो सकता है या स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में शफी भाई वॉज अ रेयर स्पेशी, क्योंकि एकेडमिक्स में भी वो थ्रू आउट टॉपर रहे एंड ही कुड पेंट एज वेल। और जो सबसे बड़ी खूबी मेरी नजर में थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एज ए स्टूडेंट जब हम 58-54 के लिए तरसते थे, शफी साहब अलीगढ़ से दिल्ली का टिकट खरीद कर दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो में जुगाड़ से न सिर्फ घुस जाते बल्कि रिकॉर्डिंग्स ले आते। उसके बाद वाइस चांसलर या प्रोवोस्ट से एक गाड़ी सेंक्शन भी कराते और उसमें लड़कों को भरकर दिल्ली ले जाकर रिकॉर्डिंग कराते। मेरी नजर में ये एक 22-23 साल के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारी खुशकिस्मती थी कि जिस दूरदर्शन में घुसना तक बड़ी बात थी, वहां हम मजे से रिकॉर्डिंग करने जाते थे। पहली रिकॉर्डिंग जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने विज्ञान भवन के बराबर दूरदर्शन के स्टूडियो में की। इसमें खुर्रम जुबैरी की कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी और ग्रुप के दो गाने रिकॉर्ड हुए, एक डॉक्टर राही मासूम रजा का आओ सखी खेती हसी और एक लोकगीत सबू कर मनमानी हम तुम चौना करें। ये एक पुराने फिल्मी गाने चलत मुसाफिर ले ली और एक पिंजरे वाली मुनिया की तर्ज पर था, बहुत ही कैची और एनर्जेटिक गाना जो हमारे ग्रुप का सिग्नेचर गाना बन गया। ये आइटम्स युववाणी प्रोग्राम में दिखाए गए और हम रातों रात चर्चा में आ गए। इसके बाद कई और रिकॉर्डिंग शफी भाई लाए, हमारे प्लेज भंवर खंडर रिकॉर्ड हुए। इसके अलावा हम लोगों ने माइम्स में भी महारत हासिल कर ली थी। माइम्स पर एक सीरियल चुपचाप शूट करने के लिए दूरदर्शन की टीम एमयू आई
और ये एपिसोड्स ब्रेकफास्ट शो पर दिखाए गए। ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्ले ना खुदा रिकॉर्ड किया। इन रिकॉर्डिंग्स के दौरान दूरदर्शन के सेलिब्रिटी न्यूज रेडर्स शमी नारंग, सलमा सुल्तान, विपिन हांडा से भी मुलाकातें हुई। एक रिकॉर्डिंग के दौरान नवा पटौदी से भी मिले। कुल मिलाकर यह कि यंग एज में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अच्छे दोस्त बने और सबसे मजेदार बात दिल्ली से अलीगढ़ का सफर होता था। इतनी उछल कूद, इतना हंगामा, इतना शोर के बयान से बाहर है। शफी साहब के जोड़ीदार थे मरहूम खुर्रम जुबैरी साहब, जो कि कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट थे और यूनिवर्सिटी में सेलिब्रिटी का स्टेटस रखते थे। बदकिस्मती से खुर्रम साहब का इंतकाल जल्दी हो गया और फिर शफी साहब की जोड़ी डॉक्टर एफ एस शिरानी के साथ बनी। शिरानी जो कि एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आए थे, उनके ग्रुप ज्वाइन करते ही पूरी कहानी बदल गई। खैर ये मैं बाद में बताऊंगा। असल में अब इतने बरस हो गए कि इवेंट्स की सीक्वेंस मुझे याद नहीं रही, सिर्फ जो अहम वाकयात याद है वो बता रहा हूं। एमएम हॉल ड्रामा क्लब की जानिब से जो पहला ड्रामा हमने पेश किया महंगाई, उसमें मेरा एक नेता का छोटा सा रोल था। इसके बाद हमने कैनेडी हॉल में नया तमाशा प्ले किया। ये एक बड़ा ओकेजन था। उस जमाने में हम लोग सीरियल दूरदर्शन पर झंडे गाड़े हुआ था और इस सीरियल का हर कैरेक्टर हर घर में जाना पहचाना जाता था। इस सीरियल में अजीज कुरैशी ने इंस्पेक्टर खान का रोल किया था और वही अजीज कुरैशी हमारे इस फंक्शन में चीफ गेस्ट थे। पब्लिक दीवानों की तरह टूट पड़ी और लोग बाग स्टेज पर चढ़ गए। खैर प्ले खासा हिट रहा और हमारा ग्रुप रेकनिंग में आ गया और कुछ ही दिन के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब में ऑफिशियली शामिल हो गए और शफी भाई सेक्रेटरी बन गए। ड्रामा क्लब में आते ही शिरानी साहब ने एक ड्रामा दिया भंवर। इस ड्रामे ने तहलका मचा दिया। ये मौजूदा ट्रेंड से बिल्कुल हटकर एक एक्सपेरिमेंटल प्ले था जिसमें हिस्ट्रियोनिक का बखूबी इस्तेमाल किया गया। ये कॉमेडी फ्लेवर में एक पॉलिटिकल सटायर था और कन्वेंशनल कॉस्ट्यूम ड्रामों से बिल्कुल अलग था। बहरहाल यह हमारा ट्रेडमार्क बन गया और हमने इस प्ले को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्टेज किया और भरपूर वाहवाही बटोरी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के जेर एहतमाम नॉर्थ जोन इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल AMU में हुआ और इसमें हमारी टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। जैसा कि होता आया है, इस किस्म के इवेंट्स कंट्रोवर्शियल होते हैं। AMU में कंजर्वेटिव ग्रुप हमेशा से रहा है जिसने ऐसे प्रोग्राम्स की मुखालफत की है, लिहाजा यूथ फेस्टिवल भी इससे बच नहीं पाया। इस ग्रुप ने कैनेडी हॉल पर चढ़ाई कर दी, खूब मार कुटाई हुई, मेहमान टीम्स के सामने बड़ी फजीहत हुई, पुलिस लगा दी गई और प्रोग्राम जारी रहा। इस फेस्टिवल में रघुवीर यादव, युवराज शर्मा और राकेश शर्मा बतौर जज आए थे। रघुवीर यादव को सब जानते ही हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और राकेश शर्मा फौजी सीरियल में शाहरुख खान के बड़े भाई बने थे। ये तीनों लोग NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े हुए थे और NSD हम लोगों के लिए ख्वाब था और इससे मुंसलिक लोग हमारे ये एक स्पेशल मखलूक थी। ये तीनों लोग हमारी परफॉर्मेंसेस से मुतासिर थे और इन्होंने जहनों में NSD ज्वाइन करने का कीड़ा डाला। बहरहाल थिएटिकल इवेंट्स में हमने प्ले, माइम और स्किट पेश किए और पहली पोजीशन पर है, जिसकी बुनियाद पर हमें नेशनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की एंट्री मिली। दोस्तों क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो, अब हैं यादें सुहानी। दिल में क्या जोश था, रगों में थी रवानी, दुनिया को जीत लेंगे ऐसे उड़ा करते थे, हौसलों की बुलंद परवाज से रोज मिला करते थे, ख्वाबों में भर के रंग आसमानी। वाह क्या दिन थे वो, अब हैं यादें सुहानी, अब हैं यादें सुहानी।